लोरी मार चला आटा चला कोफ्ता चला चिकन तो वापिस पाए लेम डेरी छोटे पाए बड़े पाए आ जाए सब अंदर आ जाए दौर का मशहूर चिकन तो वापिस बहुत मजेदार लगेदार शानदार चटखरा हाउस भाई जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम आए हैं रावलपिंडी के मशहूर बाज़ार करतारपुरा। यहाँ की वजह शोहरत यहाँ की सहरी होती है। ये जो बाज़ार है तकरीबन 12 बजे से अपने जोबन पर आ जाता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर जाकर ही देखते हैं। इस वक्त तकरीबन 12:30 बज गए हैं और ये बाज़ार की रौनक है। इस वक्त असल रौनक जो है वो 1 बजे के बाद शुरू होती है। इस वक्त जो लोड शेडिंग है वो हुई है और लेकिन जो रश होगा असल वो तकरीबन 1 बजे के बाद यहाँ पे शुरू होता है। भाईजान क्या देर क्या चीज़ है आपके पास? सर हमारे पास छोटे पाए बड़े पाए नहरी चिकन चने उजरी अंडा चने कोफ्ता चने। अच्छा एक ही चीज़ में सारा कुछ दे रहे थी तो सब? नहीं नहीं अलग अलग है साहब, हर चीज़ अलग अलग है जी, सारी चीज़ें अलग अलग है जी साहब। अच्छा ये आप कहाँ से आए हैं? आपका जो गेटअप है ये बड़ा स्पेशल है जी साहब। ये किस इलाके से आप आए हैं? लाहौर से सर। अच्छा लाहौर से जी। लाहौर से इधर स्पेशल आए हैं? लाहौर ये तो वैसे ही बहुत शौकीन होते हैं तो वहाँ से यहाँ पर आने की क्या खास वजह है? दरअसल वजह ये है कि हमारे हाजी साहब शुरू से इधर ये काम कर रहे हैं ना होटल का, तो हम भी इनके साथ ही हैं। अच्छा जी अकबर जी। और लाहौर में किस नाम से आपका काम है? अकबर जी से ही है। अच्छा अकबर जी नाम से जी सर। सिर्फ आपके जो रमज़ान है के लिए आते हैं जी? सर सिर्फ सिर्फ रमजान के लिए आते हैं। रमजान में आपको सिर्फ साल जी। कहाँ से आए हैं? सर ये मुल्तान से आए, पंजाब साइड गया था, जो स्पेशल इधर खाना खाने के लिए आए हुए। स्पेशल सूफी साहब और के पास आए हुए हैं। खाए हैं नियारी है लस्सी है। ये आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत जबरदस्त, अभी और खाने का दिल कर रहा है। खाने का दिल जी जो खाते होते हैं वो टेस्ट आया आपको? जी बिल्कुल। ये जो है सेंट्रल पंजाब से आए हैं? जी बिल्कुल, हम बड़ा से आए हैं। हमने वीडियोस देखी थी अकबर भाई की। अच्छा वहाँ पे तो ऐसे पता चल रहा था कि टीजर शॉट हुआ है, मुझे तो लग रहा है सारे जो जनूबी पंजाब है इधर आए उधर खाना भी शॉट हुआ है। नहीं खाना शॉट नहीं है, तो हम स्पेशली वीडियो देख के आए थे अकबर भाई की, तो सैरी के लिए आए हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, चने और पाए निहारी वगैरह सब टेस्ट किया, बहुत अच्छा है और स्पेशली इनकी लस्सी बहुत मज़े की जी। ये तकरीबन रात का 1 बज चुका है और इस वक्त बाज़ार में रश शुरू हो गया है और इस वक्त बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। तमाम लोग इस वक्त अपने खाने का जो सैरी खाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये यहाँ पर अब पैदल चलने के लिए भी गुंजाइश नहीं बची है। ये यहाँ पर इस वक्त पराठे भी लग रहे हैं, लोग पराठे भी सुबह सुबह सहरी में पसंद करते हैं। तो ये भाईजान ये कुछ स्पेशल पराठे होते हैं? स्पेशल पराठा ही आलू वाले हैं कि सिर्फ सादे पराठे आप लगाते हैं? ये सादा पराठा भाई, सादा पराठा। इसके अलावा यानी कि कोई आलू या चिकन वाला पराठा नहीं है? आटा हल्का। यहाँ पर भटूरे लग रहे हैं जो कि एक पंजाब की खास रवायत है और इनसे पूछते हैं ये कौन से वाले भटूरे हैं। ये भाईजान ये कौन से भटूरे होते हैं? ये चिकन वाले हैं कि आलू वाले हैं? भाईजान इसमें चिकन भी होते हैं और आलू वाले भी होते हैं, दो किस्म के भटूरे होते हैं हमारे पास। ये कौन से हैं ज़्यादा चलते हैं? हमारे पास चिकन वाले ज़्यादा चलते हैं। चिकन वाले जी। ये भटूरे इस वक्त तैयार हालत में हैं, भटूरे की प्रेजेंटेशन है, चने के साथ इनको खाया जाता है। चिकन और आलू वाले भटूरे होते हैं। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं? सर जी ये असल में इंडिया की डिश है, बादल साहब ये लौट के है, वहाँ की डिश है ये इंडिया की। हम खास पिंडी के हैं, खास पिंडी के। इसके अलावा ये रमजान के अलावा? रमजान के अलावा न्यू शराब लाल के साथ गली के अंदर। अच्छा इस्लामाबाद ये सिर्फ और सिर्फ आप रमजान बाजार की वजह से? जी 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 रमजान बाजार। तो रमजान में यहाँ पे कैसा काम होता है? अल्लाह का शुक्र बेहतरीन काम है। ये करतारपुरा की मशहूर दुकान है सूफी नान सेंटर। इसके साथ साथ इनके जो एक चने हैं खोए वाले चने उसके नाम से बहुत मशहूर हैं। यहाँ पर इनका बहुत बड़ा सेटअप है चनों का और बहुत बड़ा देचका होता है जो कि चलता है। ये यहाँ पर पक्के होते हैं, ना कि ये सिर्फ रमज़ान में बल्कि आम दिनों में भी यहाँ पर मौजूद होते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह सैरी करने के लिए आए जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, मुतमईन ऐसी बस आ रहे हैं जब तक जिंदगी है। बावड़ा बाजार खुद बड़ा मशहूर है सर, बावड़ा बाजार मशहूर है, लेकिन ये एक ऐसी इन्वायरमेंट यहाँ पर दे दी गई है जो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी इलाके में ये माहौल नहीं है। एक टेस्ट यहाँ पर सिर्फ रावलपिंडी शहर के नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं जो अपनी अपनी चीज़ें कि अपने अपने शहर की जो स्पेशल चीज़ है उसको एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग है। यहाँ के टेस्ट की अगर बात की जाए तो टेस्ट बहुत आला है। आप आएँ रमज़ान के महीने में, वैसे भी ये फूड स्ट्रीट है, ये इसलिए मशहूर है कि यहाँ पे आपको निहारी पाए और चने, लजीज चने अंडे वाले खाएँ, इंजॉय करें। हम लोग की ब्लॉक कमर्शियल से आए हैं। यहाँ पे बड़ी मशहूर दुकान है काला खान निहारी सेंटर, और इनके ऊपर जो रश है वो भी आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर बैठ के खाना भी खा रहे हैं, और इसके अलावा जो पार्सल लेने वाले लोग हैं उनका रश भी यहाँ पर है। ये सबसे कदीमी दुकान है यहाँ पर निहारी की। मैं स्कर्दू से आया हूँ, स्पेशली करतारपुरा देखने के लिए कि यहाँ पर मतलब खाने की चीज़ें बहुत ही मशहूर थे। पाया खाने नली निहारी का बहुत ही मज़ेदार, यहाँ नली निहारी भी हैं पाया भी हैं, बहुत माशाल्लाह। उधर मतलब हम दो दिनों से लगातार आ रहे हैं सेरी खाने तक। जी ये बड़े पाए छोट ओजरी भी यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा ये छोटे पाए, ये एक और दुकान है, और ये बाज़ार की हालत है अब, जो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बाज़ार में रश बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लोग बैठ के खा रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ पर दोस्तों के साथ यहाँ पर इंजॉय करने आए हुए हैं। हाँ जी यहाँ पे लस्सी है, और लस्सी तो ख़ास तौर पर रमज़ान की सौगात होती है, और करतारपुरे की तो वैसे भी पहचान है लस्सी, तो ये लस्सी बना रहे हैं भाई साहब। भाई जी आप यहाँ पे रेगुलर हैं कि सिर्फ रमज़ान की वजह से आए हैं? रमज़ान की वजह से। अच्छा रमज़ान की वजह से, इसके अलावा आप काम करते हैं? इसके अलावा हम होते हैं राजा बाजार बर्तनों का काम करते हैं। काम है बर्तनों का राजा बाजार। अच्छा राजा बाजार से सिर्फ ये रमज़ान बाजार की वजह से आते हैं। ये लस्सी तैयार हो रही है, लोग अपने खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, लस्सी पीने के इंतज़ार में बैठे हैं। रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है, रश का है क्योंकि वक्त हो गया है, और अब सहरी में तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त रह गया है, और जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया यहाँ पर। यहाँ पर अब पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। जी ये करतारपुरा बाज़ार था, आपने आज इसके तमाम जो दुकानदार थे जो यहाँ पर खाने वाले आए थे उनके व्यूज़ भी देखे, पूरा बाज़ार देखा, और अब वक्त हुआ है कि हम भी अपनी सहरी का इंतज़ाम करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसके ऊपर कोई अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर दीजिएगा। लोग चने भी हैं, उसके चने भी हैं भाई।